यार देखो इसके फ्यूचर्स वगैरह आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर चलने दे आते हैं बहुत ज्यादा। वेलकम माई न्यू व्लॉगर गाइज, मैं हूं सचिन। और गाइज आज का कुछ ऐसा सीन है कि आज जा रहे हैं हम मेहंदीपुर बालाजी। आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा। और यार मैं है ना मेहंदीपुर बालाजी जा रहा हूं 2015 के बाद, आज मतलब 2022 के 22 शुरू होने वाली है, मतलब दिसंबर का महीना 2021 का, तो शायद मेरे 6-7 साल हो गई मेहंदीपुर बालाजी से गए। और यार वहाँ की मान्यता ऐसी है कुछ कि वहाँ पर जो भी जाता है ना उसका मतलब कि जो काम है ना वो मतलब पूर्ण होता है, हमेशा पूर्ण होता है। और यार वहाँ की मतलब कि अलग ही बात है, जैसे कि भूत प्रेत तो जिसमें आते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, और भी जैसे कि बहुत सारी मान्यता है वहाँ पर। तो यार इस व्लॉग में आपको बहुत सारा मजा आने वाला है, बहुत और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और यार एक तरीके से ना ये व्लॉग शायद कुछ ना कुछ आपको सीख के ज़रूर लेके जाएगा, कुछ नॉलेज भी मिलेगी वहाँ पर, वहाँ की जो चीज़ें हैं बहुत सारी सब कुछ। और मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊँगा। और गाइस यार अभी फ़िलहाल हम लोग हैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, तो अलवर से हमको जाना पड़ेगा दौसा डिस्ट्रिक्ट में। और दौसा का एक तहसील है मेहंदीपुर, मेहंदीपुर के नाम से, और वहाँ पर ही है। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी तो निकल चुके हैं घर से, और बीच में आपको मैं पहाड़गढ़ वगैरह दिखाऊंगा, और राजस्थान जो राजस्थान के बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। यार वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, और यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में नहीं आए ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यार अभी हम गाड़ी में बैठे हैं और निकल चुके हैं। तो भाई यार जो आपको ये गांव दिख रहा है ना, यहाँ पर करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पर इस जगह पे, और इस गांव का नाम है अजबगढ़। यार देखो आपको ये मैं एक बार ये खोल दिखाता हूँ। देखो ये आपको उस मूवी में ऐसे घर देखने को मिले होंगे बहुत सारे, और ये रास्ते में जाते वक्त ज़्यादा टाइम ये रास्ते में सारे जो जगह होती है ना वो मिल जाएगी आपको जयपुर और दौसा के रूट के ऊपर। और ये मतलब कि यार मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ, और जो हवेली थी ना जो ठाकुर की हवेली थी दुर्जन सिंह की, वो मैंने पहले वीडियो में दिखा दी है, आप नीचे लिंक मैंने दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। गाइस यार देख रहे हो आप, यहाँ पर जो सरसों की खेती है ना बहुत सारी होती है, आपने करण अर्जुन की मूवी में भी देखा होगा। देखो यहाँ पर जो सरसों की खेती है बहुत ज़्यादा होती है, और इस साइड में ना इस साइड में प्योर राजस्थान पड़ता है। जो आपको ये खेत दिख रहे हो गए सरसों के, तो मतलब कि उस मूवी की शूटिंग में ये सबसे ज़्यादा खेत भी दिखाए गए हैं, और आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं, और थोड़ी दूर आने के जाने के बाद और वहाँ पर अपने को भानगढ़ मिल जाएगा। देखो ये भानगढ़ का एक बोर्ड लगा हुआ है 25 किलोमीटर, तो अभी चलते हैं। और यार देखो राजस्थान में कुछ ऐसा सीन होता है, देखो आपको सामने जो दिख रहा होगा बिल्कुल खाली खेत हैं और हरियाली भी है बहुत ज़्यादा। अब लोग कहते हैं राजस्थान में हरियाली नहीं होती, बट राजस्थान में बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। तो अभी चलते हैं आगे। और देखो पशुपालन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो ये बकरी चला के ले जा रहा है बच्चा, तो चलो चिड़ी। आपको ये गेट दिख रहा है ना, ये अजबगढ़ का गेट है जहाँ से अजबगढ़ गांव शुरू हो जाता है। तो अंदर चलते हैं, और देखो ये एकदम आपको पुराने ज़माने का ये गेट दिख रहा होगा बिल्कुल ही, और अंदर जाने के बाद उसके बाद भानगढ़ गांव आता है। तो अभी चलते हैं आगे, यार रोड भी कैसा बिल्कुल फूटा पड़ा है यहाँ पर, तो चलो। तो गाइस यार कुछ सामान वगैरह मतलब कि बंदरों के लिए भी लेके आए हम, केले वगैरह। अरे डर मत, ले इधर आ, इधर आ, इधर आ, ले लेके जा, केले लेके जा, लेकिन छोटे छोटे हैं और बहुत सारे आ रहे हैं अभी, तो देखो छोटे छोटे बंदर। अरे और लेके आ जाओ, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर। तो गाइस यार देखो आपको कहीं भी बंदर वगैरह मिले ना, तो आप उनके लिए केले वगैरह कुछ भी फ्रूट है ना लेके जाना, क्योंकि यार क्या होता है कि उनको बेचारे को नहीं पता होता कि एक केले वगैरह खाने के लिए कुछ भी पैसे वगैरह लगते हैं ना,
तो हम यहाँ पर रुके थे, केले वगैरह लेके आए थे बंदर के लिए। हमको पता था कि यहाँ पर बंदर वगैरह बहुत सारे मिलेंगे, और यार ये बंदर मतलब कि सच में यार बहुत ज्यादा भूखे थे। तो यार सही रहा कि हम लेके आ गए। अब आगे का सफर तय करते हैं और चलते हैं। ये दिख रहा है ना, ये जो आपको सीखने का काम आता है, जैसे कि आग मतलब आग जला के और यहाँ पर बैठ के आराम से सीख सकते हैं यार गांव में, मतलब कि कैसा कैसा जुगाड़ बनाए रखे हैं। और आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी जैसे बट्टी वगैरह होती ना कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पर अभी चाय बन रही है हमारे लिए, और उसके बाद कंटिन्यू अपन जर्नी करते हैं अपनी। तो अभी चाय वगैरह पी के चलते हैं। भानगढ़ का ये सीन है कि भानगढ़ में अभी थोड़े दिन बाद दोबारा से आऊँगा यार। भानगढ़ और दूसरी साइड में पड़ जाता है, तो अभी मैं कंटिन्यू चलते हैं अपनी मेहंदीपुर की तरफ, और अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई, मैं भी जा रहा हूँ। तो गाइस यार फाइनली गांव से निकल के हम लोग है ना हाईवे पे आ चुके हैं, और यहाँ से दोसा है ना वो सिर्फ 5-7 किलोमीटर दूर है, फिर दोसा से मेहंदीपुर जाना पड़ेगा। तो अभी दोसा चलते हैं, देखो 11 किलोमीटर है यहाँ से दोसा। अभी सूरज ढल चुका है और शाम के बज गए हैं 5:30। और गाइस हम देखो मेहंदीपुर तो पहुंच चुके हैं अभी, और अभी सामने गेट है मेहंदीपुर अंदर मंदिर में जाने का, मतलब कि यहाँ से जो मंदिर है वो 4-5 किलोमीटर दूर है, ये यहाँ पर मेहंदीपुर सिटी है। तो यार ये है मंदिर, बाबा जी का मंदिर जाने का। बोल जोर से बोलो जय श्री राम, जय बालाजी बाबा, जय श्री राम। चलो अब ये है जो मेन गेट है ना, यहाँ से कितनी दूर पड़ता है मंदिर? 1-1.5 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से। तो अभी अपन रन कर चुके हैं इस तरफ, और देखो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ से अंदर कोई भी मतलब कि जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मान्यता होती है यहाँ पर मंदिर की। तो अभी चलते हैं, देखो सूरज ढल चुका है, जो आपको बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा होगा सूरज का, और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। तो चलो भाई, देखो यार वहाँ पर कहते हैं कि जो जिनके संकट वगैरह आते हैं, मतलब कि कहते हैं लोग, और मैं मानता भी हूँ यार, क्योंकि यार वहाँ पर जाने के बाद बहुत से लोगों में भूत वगैरह भी आते हैं, जहाँ पर वो निकल जाते हैं मंदिर में जाने के बाद वो एकदम ठीक हो जाते हैं। तो शायद आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है इस वीडियो में, और वीडियो में मज़ा भी आने वाला है। बट यार देखो यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और बहुत ज़्यादा थक भी गए हम लोग। चले थे 12 बजे के लगभग, आप लोगों को मैंने बताया था टाइम,
और अब बज चुके हैं 5:30 बज चुके हैं, 6 बजने वाले हैं। तो अभी मंदिर में नहीं पहुँचे हम, अब मंदिर में पहुँचने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको मंदिर का दर्शन कराऊंगा। बाकी अभी आरती का टाइम होगा, शायद 7 बजे के लगभग आरती होगी ना, तो 7 बजे के लगभग आरती है। और ये हमारे अंकल पापा जी सब बैठे हैं, मेरे साथ पापा जी आए थे आज, और पापा जी बोला ठीक है चलो आप वीडियो बना लेना और अपन मंदिर के दर्शन भी करके आएंगे। तो यार यहाँ पर मैं 6-7 साल बाद आ रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि बालाजी के मंदिर मतलब कि एक तरीके से पूरे इंडिया में मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो भाई देखो आपको ये देखने को मिल रहा हो कितना ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गजब बना रखा है। देखो हमने गाड़ी को यहाँ पर पार्क किया है और यहाँ से हमको पैदल जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर, तो चलते हैं यहाँ से मंदिर के लिए 1 किलोमीटर वैसे पैदल, क्योंकि यार यहाँ से है ना बहुत सारे ट्रैफिक हो जाता है, तो पुलिस वाले ने है ना हमको इधर ही भेज दिया पहले कि आप लोग गाड़ी लगा के फिर पैदल जा सकते हो उधर। तो सोच रहे हैं कि पैदल चल जाते हैं, गाड़ी तो हमने पार्क कर दी है यहाँ पर, तो अभी चलते हैं पैदल ही। तो चलो यहाँ पर बैठ के फूल खा रहा है ये, हाय देख रहा है मेरी तरफ, आगे मंदिर की तरफ चलते हैं और यहाँ से यार पैदल जाना पड़ेगा। देखो सबसे तो भाई ये है मैनीपुर बालाजी का मार्केट, और आपको यहाँ पर बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी, रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। यार देखो मतलब कि यार मूर्ति कितनी ज़्यादा बड़ी है, और मैं तो इसके सामने इतना सा लग रहा हूँ, इतना सा, कितनी बड़ी मूर्ति है, कितनी फुट की है ये, 150 फुट की मूर्ति है यार, देखो बहुत ही ज़्यादा बड़ी। चलो इनके पास चलते हैं, यहाँ पर चप्पल वगैरह जूते वगैरह निकालना पड़ेगा, खुद देख सकते हो मतलब कि इतनी ज़्यादा बड़ी मूर्ति है। देखो ऊपर देखो मधुमक्खी के छत्ते भी लग रहे हैं उसके ऊपर, देखो छोटे 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 मधुमक्खी छत्ते भी लगे हुए हैं। और यार सही बताऊँ ना, मैं यहाँ पर फोटो खींचने लगा बट फोटो फ्रेम में आ ही नहीं रहे यार, देखो कहाँ से, देखो इंसान देखो और ये मूर्ति देखो कैसे फ्रेम में आएगी फोटो। और यार एक यहाँ पर एक गुफा भी है, देखो अंदर जाने की ये गुफा भी है, और इसके अंदर घूम सकते हैं अपन जाके, और पता नहीं अंदर जाने के देते हैं नहीं देते, बट यार मेरे को मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी लगी। देखो इसका जो सोटा है ना, लगी ये सोटा, ये इतना ज़्यादा बड़ा है, देखो बहुत ज़्यादा बड़ा। देखो यार किसने कैसे बनाई होगी यार, कैसे मतलब बनी होगी मूर्ति। देखो भाई आपको है ना यहाँ पर बहुत सारी राजस्थानी पोशाक की दुकानें देखने को मिल जाएगी, मतलब आप लोग यहाँ से बहुत सारी राजस्थानी चीज़ खरीद सकते हो, राजस्थान है ना तो राजस्थानी चीज़ तो मिलेंगी यार, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो। भाई यार इन लोगों में मतलब भूत वगैरह आ रहे हैं, देखो उस तरफ देखो, और अभी आगे कंटिन्यू चलते रहते हैं, यहाँ पर रुकना सही नहीं रहेगा। आ जा फिर, तो मंदिर में आधे का टाइम हो चुका है, बहुत सारी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर यार। भाई आरती का टाइम हो चुका है और हम लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यार यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और सामने आपको दिख रहा है वो है सामने मंदिर है, मैं जूम कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो बहुत ज्यादा यहाँ भूत प्रेत वगैरह बिल्कुल निकल जाते हैं मतलब आने के बाद इस मंदिर में। यार देखो ये खिलौने हैं, ये उसके हैं लकड़ी के, चलो आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। यार यहाँ पर देखो राजस्थानी पोशाक वगैरह आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी, देखो राजस्थानी पोशाक वगैरह की, तो यहाँ पर आप खरीद सकते हो यार, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना ये, और यहाँ पर दुकानें भी बहुत अच्छी अच्छी है, और बहुत सारा सामान भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस यार फाइनली दर्शन कर चुके हैं मंदिर में, और यार कुछ ऐसा सीन था कि वहाँ पर है ना इतनी ज़्यादा भीड़ यार, मतलब कि मैं बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा भीड़ थी मतलब चलने का भी रास्ता नहीं था। और वहाँ पर जैसे देखो मैंने आज प्रत्यक्ष रूप में मतलब कि हकीकत में रियल में मैंने भूत देखा है, मतलब कि भूत तो नहीं बट जो लोगों में आते हैं ना ऐसे ऐसे करते रहते हैं ऐसे ऐसे ना,
ऐसे भूत थे वहाँ पर, लाइक बहुत कुछ सीखने को मतलब देखने को मिला। बाकी यार देखो यहाँ की मान्यता ऐसी है कि अगर कोई यहाँ पर आता है ना, उसका कोई भी जैसे भूत वगैरह लगा होता है पीछे, तो वो यहाँ से अट जाता है, मतलब कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप कभी मतलब किसी को भूत वगैरह आ रहा हो, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मेहंदीपुर बालाजी आ सकते हो, यहाँ पर आपको बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक होके जाओगे। अब यार बहुत बार क्या होता है कि भूत वगैरह मतलब बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता, बट आज मैंने मतलब देखा है लोगों को, पागल तो नहीं है बट यार वो कर रहे थे, थोड़ा बहुत होगा उसमें। और देखो अभी हम अपन जाएंगे अलवर वापस, तो अभी रात के बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं और 12 बजे तक अपन घर पहुँच जाएंगे। और मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। और यार सच में यार मतलब कि आज मैंने जैसे कि शमशान घाट में गया था, वहाँ पर ही भूत नहीं मिला आज तक मेरे को, गोश्त चैलेंज करने के लिए गया था ना तब, बट यार यहाँ पर है कुछ ना कुछ जो मतलब यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और यार जिनमें आता है ना भूत, वो अलग ही दिखते हैं यार, मतलब कि बैठ के पता नहीं ऐसे ऐसे करते रहते हैं। मैंने एक दो क्लिप दिखाई भी थी, बाकी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यार, क्योंकि गलत होता है रिकॉर्ड करना। बाकी इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। तो यार देखो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय श्री राम। I should fuck her in the